व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। और काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है मुझे पता है। और इस वीडियो के अंदर हम जाने वाले हैं DSU देहरादून सागर यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे हमारी जो नई वाली ब्रांच है ना, उसकी आज विजिट है हमारी। तो बस वहाँ पे जाएंगे अब और आपको दिखाएंगे कि कैसी है वो। बहुत अच्छी बनी हुई है, जो हमारा प्रेजेंट कॉलेज है ना, जो DSI है, उससे काफ़ी अच्छी बनी हुई है वो लास्ट जो कैंपस है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आपको बस सारा वीडियो में दिखता रहेगा। और अभी फटाफट से चलते हैं कि वहाँ पे ना थोड़े बहुत चिप्स वगैरह लेके जाएंगे, कुछ खा पी लेंगे, ठीक है। तो कुछ चिप्स वगैरह बाई करने हैं और फिर हमें जाना है कॉलेज में अटेंडेंस लगवा के फिर बस में बैठ के निकल लेंगे। और बसेस कॉलेज की तरफ से ही हैं, तो कॉलेज की तरफ से जा रहे हैं। और बस चलो, आपको ब्लॉग में बने रहो और सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो चलो, सो गाइस वो दिख रही है बसेस आपको, देखो वो सारी बसेस भर के जाएंगे, ठीक है। अलग अलग स्ट्रीम्स के बच्चे जाएंगे और हमारी स्ट्रीम तो जा ही रही है। तो अब चलते हैं, ऐसे फटाफट सारे बच्चे चल रहे हैं और बस में जाकर मिलता हूँ। बस वाले भैया चढ़ने नहीं दे रहे बस में, देखो ये सारे क्लास के स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं हमारे। अब पीछे बैठ रहे हैं आगे, इधर आ जाओ। बस में सीट मिल चुकी है हमें। ये मेरे दोस्त, ये सरायू और शिवानी। So guys, journey begins from here। और ये कॉलेज का गेट आ चुका है, देखो, ठीक है। मस्त कॉलेज से बाहर निकलने वाले और हमारी ट्रिप शुरू, ठीक है। तो फुल मस्त मजा आएंगे, रास्ते दिखाएंगे, बीच में आपको थोड़े टाइम लैप्स वगैरह मिलता रहेगा और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी मिलते रहेंगे कॉलेज के। और तो चलो, गाइस हम पहुंच गए हैं नए वाले कैंपस। तो चलो अब आपको दिखाते हैं। सो गाइस सारे बाहर निकल रहे हैं अभी बच्चे और मैं भी निकलता हूँ, ठीक है। सो गाइस दिस इज आवर कैंपस, न्यू कैंपस। और ये कुछ खड़िया और लैंड देखो भाई, पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से, अलग है। ऑसम ब्रो, ऑसम लिटरली। देख रहे हो लग रहा है पूरा देख, क्या मस्त है, क्या मस्त बना रखा भाई। फुल आईडी से एंट्री होती है बस। सो गाइस दिस इज द इंटीरियर ऑफ दिस कॉलेज, यहाँ से एंट्री थी। और यहाँ पे कार्ड स्कैन करने की मशीन और ये सब है, देख लो, ठीक है। और यहाँ पे ना कुछ, यहाँ पे शायद मतलब से टी कॉफी है और उधर कुछ खाने पीने का कुछ ब्रेकफास्ट जैसा कुछ सिस्टम है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा इंटीरियर भाई, बिल्कुल ही 5-star होटल जैसा लग रहा है, ठीक है। ये देखो, ये रिसेप्शन है शायद, ये वाला रिसेप्शन नहीं है, कुछ सिटिंग एरिया है ये। और यहाँ पे लॉबी है, अलग है भाई। और फुल RFID बेस्ड है, जो हमें आईडी कार्ड्स मिले हैं ना, उसको स्कैन करके जा सकता है बच्चा, ठीक है। तो ये सब है, मस्त कॉलेज है। तो हमारे को सो गाइस प्लेट मिल चुकी है और
की सॉस रखी है, समोसा है ब्रेकफास्ट में, फटाफट से उठाते हैं खाते हैं। चाय भी आ चुके हैं, फटाफट पीते हैं, समोसा खा लिए। गाइस फोटोशूट हो चुका है और अब ढूंढ रहे हैं हम थिएटर कहाँ पे है। ठीक है, ये कुछ यहाँ की लाइब्रेरी है, नाम पढ़ लो क्या लाइब्रेरी का। ठीक है, और वो लाइब्रेरी है एंट्री, एंड दिस इज द एरिया, सिटिंग एरिया। और यहाँ पे पता नहीं क्या है, यहाँ पे शायद वॉशरूम्स होने हैं, यहाँ रूम्स हैं, पता नहीं क्या है। देखते हैं, अभी फ़िलहाल चलते हैं थिएटर में क्योंकि वहाँ पे अभी इस टाइम प्रोग्राम। गाइस हियर इज द थिएटर, और माय व्यू देखो भाई, मस्त है ना। ठीक है, ये कुछ फर्स्ट फ्लोर है। सो गाइस दिस इज द थिएटर ऑफ दिस न्यू कॉलेज, और भाई सब मस्त बना हुआ है, लाइटिंग, एसी, एंड द स्टेज इज ऑसम, एंड पोडियम भी मस्त बना हुआ है, उधर कंप्यूटर का है। ठीक है, दिस इज फिफ्थ फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, दिस इज द क्लासरूम ऑफ दिस बिल्डिंग, और यहाँ से व्यू देख लो भाई, क्या मस्त व्यू आ रहा है। और थोड़े बहुत पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, उधर भी मस्त पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं, विंडो है, और वो रही हमारी बस, वाइट वाली बस दिख रही होगी। ये कुछ है कॉमन रूम, ये कुछ ऐसे प्रोफेसर्स ऑफिस, और एसी लगा हुआ है, एसी एंड वन मोर एसी, ऐसी इसमें भी एसी लगाया, इसमें भी एसी लगा हुआ है, हर जगह एसी है। स्पोर्ट्स का ग्राउंड देखो कितना मस्त बना रखा है उन्होंने ना, उधर वो देखो सारी फ्लड लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। ठीक है, और पूरा मस्त ग्राउंड, हर एक चीज़ का ना अलग अलग कोर्ट बना रखे हैं इन्होंने। और ये कुछ ऐसा, यहाँ पे भी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे भी शायद ग्राउंड बनेगा पूरा का पूरा, और उधर तो है ही सारा। ठीक है, उधर जो यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह, चेक आउट द व्यू गाइस, ये कुछ अंदर से जहाँ पे हम आए थे ना वहीं से स्टेयर से, और ये कुछ यहाँ से व्यू है, और चलते हैं फटाफट से नीचे गाइस। ये कुछ थोड़ी सी बड़ी क्लासरूम, और अभी वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन्होंने लिखा है ना वुड वुड के ऊपर एक्रेलिक लगा रखी है इन्होंने ब्लैक कलर की, तो बहुत अच्छी लुक दे रही है और मस्त लग रहा है ना। फर्स्ट फ्लोर इंडेक्स, और ऐसे सारा कुछ एक्रेलिक में लिखा और वुडन शीट पे लिखा। इधर का टूर में ज़्यादा दे नहीं पाया, ठीक है, तो अभी देख भी सकते क्योंकि बस बाहर वेट कर रही है, तो चलते हैं फटाफट। ये रहे अपन के दोस्त, गाइस ये देख लो आप दूर से बिल्डिंग देख लो भाई, कितनी कितनी मस्त लग रही है भाई, कसम से। पहले वाला भी बहुत हैवी ड्राइवर था। ये देखो यहाँ से तीनों के तीनों कैंपस दिख रहे हैं, यहाँ को जो स्पोर्ट्स ग्राउंड दिखा रहा था ना मैं, ये वो वाला एरिया आ गया। ये देखो ये आगे आएगा मेन स्पोर्ट्स वाले, देखो वहाँ पे लगी है ना फ्लड लाइट्स फुल, वहाँ पे जैसे क्रिकेट का मैच हो गया है, यहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी है जितनी स्पोर्ट्स होती है ना सबका अलग अलग यहाँ पे बना हुआ है एरिया। जैसे ये सारा बास्केटबॉल का एरिया, और मस्त फुल नेटवर्क लगा हुआ है, और लगभग चार इसमें लगे हैं, ठीक है, मतलब चार टीम्स कह सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ शायद टेबल टेनिस है मेबी, और हाँ ये बैडमिंटन के लिए इसका अलग कोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे भी चार एरिया, पांच एरिया बल्कि यहाँ पे चार पांच छः सिक्स एरिया का है। और यहाँ पे आएगा आपका मेरे ख्याल से ये क्रिकेट का है फुल, यहाँ पे फाउंटेन वाउंटेन भी चल रहा है, ठीक है, और फ्लड लाइट्स भाई साहब क्या मस्त आएगा, मतलब जो भी बंदा रात को खेलेगा है ना,
के देखो, और यहाँ पे फाउंटेन वाउंटेन भी लगे हुए हैं। ऐसे ही है देखो, यहाँ पे सीटिंग एरिया बनेगा जो भी क्वालिटी और सब। और ये है आपका, हाँ ये फुटबॉल का है, ये देखो। और ये रेस कोर्स भी इसके साइड में है, बोर्ड उस पर ना रेस वेस लग सकती है। और वहाँ के बीच में भाई ग्राउंड की भाई फिनिशिंग देखो आप, और जो ग्रास इतनी अच्छी लग रही है ना, ग्रीन फुल ग्रीन ग्रास जो है इस टाइम, ठीक है। व्यू देखो भाई आप, मेन तो रात को मज़ा आएगा जब फ्लड लाइट्स वगैरह चल रही होंगी। तो ये कुछ है, वो हिसाब है, वाटर वाटर रहेगा इसके बीच में ताकि अच्छा थोड़ा व्यू अच्छा है। और सेटिंग्स के लिए क्या आपका कोई यूसेज भी हो बट मुझे पता नहीं था। और जैसे अगर यहाँ पे पानी ओवरफ्लो करेगा ना, तो वहाँ पे देखो वहाँ पे क्रीज बनी हुई है जहाँ से वाटर वहाँ से ऊपर से नीचे आ सकता है ग्राउंड में, ठीक है। एक मिनट, ये देखो यहाँ से इधर से नीचे आ सकता है। और ठीक है भाई, वहाँ देखो वहाँ से स्टूडेंट्स उतर रहे हैं, और उतर के हम यहाँ से सारा व्यू ले सकते हैं उधर जाके। और ये सब है, और पीछे बसेस देख लो, ठीक है, वो बसेस है पीछे लग रही है लाइन में। और ये व्यू चेक करो गाइस, ये लेट्स गो टू एक्सप्लोर सम मोर थिंग्स देयर। यहाँ से चलते हैं नीचे, लो जी बस के नीचे उतर चुके हैं, और यहाँ से जा रहे हैं बच्चे उधर फोटो वोटो खिंचाने के लिए। चलते हैं अपन भी थोड़ा ऑफ रोड चलते हैं, यहाँ से तुम जा सकते हैं, वहाँ से जाएंगे क्लीन से। चलो प्रखर प्रखर चल, अबे चल ना स्लिप, वो देख क्रॉक्स पे जा रहे हैं बता, तुम नहीं जा सकता। हम तो चढ़ गए हैं, ये हमारे दोस्त इस साहब देख रहे हो क्या कर रहे हैं भाई हम। वो देखो देखो देखो, उधर तलाटियां मारी जा रही है भाई साहब, कॉलेज में आते हुए उदम कर दिया नए कॉलेज में भी। भाई जो मैं कह रहा था ना, बढ़िया मटेरियल यूज कर रहा है, प्लास्टिक की ग्रास है भाई ये तो। चलो सही है, जो भी है तो सही। और ये जो वाइट वाइट देख रहे हो ना, अब ये सारा पेंट है, प्लास्टिक के ऊपर पेंट कर रखा है इन्होंने। और ये उतरेगा भी जल्दी, बढ़िया ऐसी चीज़ है जो भी है, ठीक है। साइटिंग लुक मस्त आ रही है, और वैसे भी सही है, पैर वैर इतनी जल्दी फिसलता नहीं है इस पर। चलो चलो चलो, ए गाइस गाइस रेडी सेट गो। चलो जी रेस लग चुकी है, इसी ग्राउंड की फर्स्ट रेस होने वाली है गाइस, वन मोर रेस विल बी देयर। और देख लो भाई पूरी क्रीज ये लाइन भर चुकी है, देखते हैं हम कितने बंदे जीतते हैं। चलो जी ये गाइस, ये सारे हमारी अपने क्लास के लौंडे हैं सारे, ठीक है, और रेस लगा रहे हैं। ओ शिट मैन, दो ने हार मान ली है। भागो बस निकल जाएगी, भागो गाइस भागो भागो भागो। ओए ओए लड़कियों वाली आके, अबे लड़कों वाली, लड़कों पैं 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 बज रही है। हेलो, यहाँ तो नदी भी है छोटी सी, तो दिख रही है छोटी सी, पता नहीं किस कैसी नदी है, नदी है के नाला है वो नहीं मुझे पता। इधर मेरे ख्याल से ये पता नहीं किस चीज की बिल्डिंग है, तैरने जाएगा अभी ना गाइस, धीरे धीरे पता लग रहा है कौन सी बिल्डिंग किसकी है, शायद हॉस्टल्स हैं। और
So guys, here is girls hostel. The last one is boys hostel. और यहाँ पे कुछ लिक्विड ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लगे हुए हैं, शायद मे बी मेडिकल ब्रांच के लिए मे बी, ज़्यादा मुझे पता नहीं है। और इधर जनरेटर्स, उधर जनरेटर लगा हुआ शायद, ठीक है। और पीछे ना कुछ प्लांट वगैरह वो दिख रहा है, आपको पता नहीं किस चीज़ का प्लांट है, किससे रिलेटेड है किससे नहीं है कुछ नहीं पता अभी। ये देख लो भाई व्यू, हॉस्टल के बाहर इन्होंने ऐसी सीटिंग बनाई है और थोड़ा सा जिम जिम टाइप कुछ है, स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकता है बंदा वहाँ पे। वो देखो दूर दूर से लगे हैं, जो पार्क में लगा होता है ना ओपन जिम, हुआ ये रह गए जनरेटर्स, चार चार जनरेटर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े। ये बॉयज़ हॉस्टल है या अपार्टमेंट है भाई, देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है, एस रेजिडेंस के नाम से है। और भाई स्वभाव नेक्स्ट लेवल फीलिंग है भाई यहाँ तो, अलग भाई कितने कितने सारे रूम्स हैं भाई सच में, ये तो रहने वाली जगह भाई। वो कार्ट छोटी गो कार्ट भी आएगा ट्रैवल करने के लिए, पर टीचर्स के लिए होगी मेरे साथ से ना खाली। मेरे को भाई क्या मस्त अपार्टमेंट है, एंट्री मस्त बन रखी है। और उधर देखो साथ में नदी है पूरी, एंट्री मिल चुकी है। और इंटीरियर भाई करते ही बिल्कुल ही फाइव स्टार होटल जैसा सिस्टम है यहाँ पे, सिटिंग के लिए देख लो कैफेटेरिया है शायद, ठीक है। खाने पीने का डिस्कशन रूम 1, 2, 3, 4, 5, स्टडी रूम भाई मस्त है ना यार, कुछ भी ले सकते हैं। अरे बढ़िया है यार, थम्स अप। इधर म्यूजिक रूम है, ऑडिटोरियम देखो भाई साहब, गाइस दिस इज ऑडी। और ये सब कुछ भी है, सेंट्रल एसी लगा हुआ है, ग्रे स्क्रीन काफ़ी अच्छा है। टेनिस टेबल टेनिस के लिए वाला एरिया, ये कुछ इसका बैक साइड का व्यू है, यहाँ पे भी मतलब गार्डन वार्डन बनाएंगे पीछे। और ये कुछ यहाँ का व्यू पता नहीं यार क्या है, ये ना नीचे बेसमेंट, यहाँ जो रेजिडेंस यहाँ पे रहेगा ना उनके लिए कुछ यहाँ पे स्पोर्ट्स का है, स्टडी रूम है और म्यूजिक रूम है, कैफेटेरिया, उन सब के लिए है ये, ठीक है। रूम फॉर वीडियो गेम रूम, वाओ हर एक चीज़ के लिए अलग अलग रूम बना रखा है भाई, कितना मस्त लग रहा है ना। ये एक और गेम है, पता नहीं कौन सी गेम है, आपको पता लग जाएगा। चेस भी है यहाँ पे, इंडोर स्पोर्ट्स जोन, यहाँ से आओ मेरे एग्जिट है। गाइस सी लेक कितनी मस्त लग रही है ना भाई, और ये पाम ट्रीज, आई गेस पाम ट्रीज हैं, और मुझे ज़्यादा पता नहीं यार आई गेस। और भाई मस्त यहाँ पे स्विमिंग वाटर है, और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया था कि कोई यहाँ पे कूद के नीचे ना जा सके। ये देख लो सी पाम ट्रीज, और ये मस्त, और यार थोड़ा ना गंदा करो, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बाकी मस्त मतलब अच्छा व्यू है। ये इधर वाला बॉयज़ हॉस्टल है, ये वाला मैं इसके अंदर जाने के लिए वेटिंग चल रही है फुल पीछे का लाइन। गाइस हियर इज द एंट्री टू द हॉस्टल, यहाँ पे मैच के लिए रोक लिया, वी हैव टू वेट हियर।
ये है मेस और अभी हमने खाना खा लिया। ऐसे मॉस्किटो किलर्स लगे हुए हैं और वहाँ पे LED लगी हुई है, डिश भी लगी हुई है, उधर भी लगी हुई है, ठीक है। तो मस्त एंटरटेनमेंट भी होगी फूड के साथ और उधर घड़ी लगी हुई है, ठीक है। तो अभी टाइम हो चुका है 3:45 और निकल रहे हैं अभी मेस के बाहर और देखते हैं अब क्या करना है क्या नहीं करना। तो चलो 2:45 आए हैं, तो चलो जो मर्जी कहो भाई तुम। और इधर ले तो आई आप, ये देखो भाई, ये देखो कैसे सिकुड़गा है ना, मस्त है ना। खुद दोबारा दिखाता हूँ टच में नॉट प्लांट कैसे वो करता है। ये देखो टच करेंगे बंद हो जाएंगे पत्ते सारे के सारे। आखिरी बार व्यू देख लो, निकल रहे हैं अब हम। मैसेज आ चुका है कि बस में चलो फटाफट निकलो। और ये कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है मेरी बिल्डिंग, यहाँ से मुड़ेंगे लेफ्ट और फिर राइट, वहाँ पे हमारी बसेज आ गई, वो दिख रही होगी आपको उधर। तो वहाँ पे चलते हैं फटाफट से, मिनट एक मिनट में बस में आए तो उसी बस में जाएंगे। खाली पड़ी है बस, बस फटाफट से सीट मन लेते हैं। चलो बाय बाय DSC, नहीं DSI, नहीं DSU, बाय बाय DSU। पार्सल ठीक है और ले लेते हैं फटाफट से। ये देखो कश्मीर से काम चल रहा है। सो गाइस फिलहाल अभी मैं आया था मोटर स्पोर्ट से, ठीक है। अभी तो जस्ट फ्री हुआ हूँ, मैं मेडिसिन खा के फिर जा रहा है और चलते हैं। सो गाइस फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 10:26 और आज का लोग यहीं पे करते हैं एंड। और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि मैं अभी जस्ट मोटर स्पोर्ट से पहुँचा ही था यहाँ पे और बस लोग को एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि ना जब हम यहाँ पे पहुँचे थे ना कॉलेज से, तो जस्ट उसके बाद मैं मोटर स्पोर्ट्स चला गया था, तो बस मोटर स्पोर्ट्स से पहुँचा हूँ, ठीक है। तो होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना कि कोई अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट व्लॉग में और बाय बाय।